कहानी बैटल ऑफ बुर्की की। इस युद्ध में इंडियन आर्मी थी पैदल और सामना करना था पाकिस्तान के टैंक्स का। फिर भी आखिर में जीत आई इंडिया के पाले में। बैटल ऑफ बुर्की भी इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध का ही एक हिस्सा है। बुर्की एक गांव का नाम है जो लाहौर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पंजाब के बॉर्डर से लगता है। इस गांव को लाहौर से जोड़ता है इचोगिल कैनाल का ब्रिज। ये युद्ध 8 सितंबर 1965 से लेकर 11 सितंबर 1965 तक चला। इंडियन आर्मी ने शुरुआत इंडो पाक बॉर्डर के करीब गांव खालरा से की थी। इसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर जनरल हरकृष्ण सिब्बल और दूसरी तरफ टैंक्स की कमान थी लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह के पास। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आउटपोस्ट जहमान ध्वस्त हो चुकी थी। इसी बीच इंडियन आर्मी के जवानों का सामना हुआ था पाकिस्तान के टैंक्स के साथ और 10 सितंबर 1965 तक इंडियन आर्मी के जवानों ने ढेर किए थे पाकिस्तान के कई टैंक्स। 11 सितंबर 1965 को इंडियन इन्फेंट्री ने बैटल ऑफ बुर्की को जीता और गांव बुर्की को इस युद्ध के खत्म होने तक अपने बचाव के लिए रखा गया। इस युद्ध में 18th कैवलरी रेजिमेंट, 5th गोरखा राइफल्स और 17th पंजाब रेजिमेंट ने वीरता दिखाई और बुर्की में इंडिया का झंडा बेखौफ लहराया गया।